हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। सो बच्चों, फाइनली हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना। सो मैं ये वीडियो में डिफरेंशिएशन जो 12th स्टैंडर्ड का, इसका फॉर्मूला, जितने भी कॉन्सेप्ट से सब एक बार मैं आपको वन शॉट बता दूंगा, और फिर जो अगला वीडियो रहेगा उससे मैं हर एक एक्सरसाइज, बहुत सारे समय, हर एक समय बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। समझ में आ रहा बच्चों? तो आप प्लीज वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग का प्लान यही है कि वापस से ग्रेड अपग्रेड पे मैक्सिमम वीडियो, अगर आप लोग देखते रहोगे तो डेली अभी वीडियोस अपलोड हो रहा है, अभी भी 20-25 दिन का स्टॉक ऑलरेडी रेडी है। समझ में आ रहा है? तो डेली एक एक वीडियो आते जाएगा, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए बच्चों। तो आते हैं इस वीडियो में, आपको बताने क्या जा रहा हूं बच्चों, 12th के डिफरेंशिएशन में मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 1। समझ में आ रहा है? ये जो आपको एग्जाम में आने वाला है इसका काफी ज्यादा वेटेज है, ठीक है बच्चों। 8 मार्क्स का वेटेज रहता है, ओके, 8 to 10 मार्क्स जो रहता है। इसमें हम लोग को जो जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, सब नहीं है, सब मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा। ये वीडियो में सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो पहले डिफरेंशिएशन का बेसिक जो फॉर्मूले से, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े, वहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आपका y x रेस टू n रहेगा बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। अब इसके बेसिस पे एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, ठीक है बच्चों। अब इसके बेसिस पे ध्यान दो, अगर सर x रहेगा तो सर n का पावर 1 है। समझ में आ रहा है? सो d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 1 क्या आ गया बेटा, 1 आ गया 1x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो आंसर आएगा 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चों। सिमिलरली अगर हम लोग सोचे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। बच्चों रूट x का डेरिवेटिव याद रखना 1/2√x, क्या आएगा 1/2√x, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है? फिर ये एक फॉर्मूला, तो हमने जिस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया। फिर बच्चों आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x2, ठीक है। इतना आपको रटना है, फॉर्मूला नहीं रटोगे सम्स नहीं आएगा, वेरी सिंपल। और फॉर्मूला कैसे होता है रटना, आप बैठ के रटो मत, सम सॉल्व करो, फॉर्मूला अपने आप रट लोगे, ठीक है बच्चों। 1/x हो गया। फिर बच्चों इसके बाद d/dx ऑफ सबसे भारी कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव इसका 0 आता है, क्यों, क्योंकि सर कॉन्स्टेंट चेंज ही नहीं होता ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। फिर इसके बाद बच्चों d/dx ऑफ साइन एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स, जो कि आपको याद होना चाहिए बच्चों। फिर d/dx ऑफ कॉस एक्स क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स। फिर बच्चों d/dx साइन कॉस 10x क्या आएगा बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स। फिर बच्चों d/dx ऑफ कॉट एक्स क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, साइन कॉस 10 कॉट। d/dx ऑफ बच्चों sec x क्या आएगा, sec x इंटू 10x। d/dx ऑफ cot x क्या आएगा बच्चों, सॉरी cot हो गया ना, d/dx ऑफ cosec x क्या आएगा बच्चों, माइनस cosec x इंटू cot x। समझ में आ रहा है? देखो sin cos 10 cot sec cosec हो गया इतना। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जिस स्पीड में मैं लिख रहा हूं उसी स्पीड में आपको बाय हार्ट भी करना है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद सर अगर कहीं पे e^x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, e^x। बच्चों अगर कहीं पे a^x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a^x * log a। बच्चों अगर कहीं पे log x रहेगा तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो x^n nx^n-1 बच्चों, रूट एक्स का 1/2√x, 1/x का -1/x2, बच्चों कॉन्स्टेंट का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, e^x का e^x, a^x का a^x इंटू लॉग ए, बच्चों लॉग एक्स का 1/x। ये इरेज कर दो बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको जो चेन रूल है, चेन रूल में ये सारे फॉर्मूले कैसे बिहेव करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सो बच्चों चेन रूल कब आता है, जब हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन होता है। कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, मतलब इंस्टेड ऑफ साइन एक्स हमारे पास है साइन एफ ऑफ एक्स, बोलने का मतलब है साइन एक्स के जगह साइन एक्स स्क्वायर है। बट सर फॉर्मूला तो साइन एक्स का है ना, तो चेन रूल क्या बोलता है, आप ये जो साइन एक्स का फॉर्मूला है ना, आप साइन एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई कर सकते हो विद सर्टेन कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, अगर समझो आपको साइन एफ ऑफ एक्स का
साइन एक्स का नहीं, साइन एफ ऑफ एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझा, वेरी सिंपल। क्या चेन रूल, बस यही चीज है। अगर आपका ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग फंक्शन है उसके अंदर एक और फंक्शन रहेगा, एक्स नहीं रहेगा, वेरिएबल नहीं रहेगा, एक और फंक्शन रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन फंक्शन इंटू एफ डैश एक्स। जैसे अगर मैं बोलूं साइन रूट एक्स, तो साइन रूट एक्स का पहले साइन का फॉर्मूला अप्लाई करो, साइन का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, कॉस रूट एक्स, फिर रूट का फॉर्मूला अप्लाई करो, समझ में आ रहा है, रूट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कॉस रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स, दैट्स इट। एक और फॉर्मूला ले बच्चों, एक और क्वेश्चन ले, अगर समझो मेरे पास रूट टेन एक्स रहेगा तो डेरिवेटिव करना है बच्चों, रूट पहले ये रूट का डेरिवेटिव लगेगा, ये रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट टेन एक्स, फिर बच्चों अंदर टेन है ना तो टेन का डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है बच्चों, और टेन का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन टू रूट टेन एक्स, और टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, पे अटेंशन, वेरी सिंपल। अब मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, इसी में आपको एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ बच्चों। अगर यहां पे ध्यान दो, अगर अपना क्वेश्चन रहेगा लॉग साइन एक्स स्क्वायर, क्या है क्या है क्या है, लगता है मुझे नींद आ रही है, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बच्चों ध्यान देना, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन एक्स। फिर सर ये तो लॉग का अप्लाई किया ना, साइन का भी तो अप्लाई करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, समझ आ रहा है बच्चों, ये आएगा वन अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर। सर साइन एक्स होता तो रुक जाते, बट साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर, वापस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, और बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या आएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये आपको चेन रूल समझ गया बच्चों, तो चेन रूल है ना आपका 1.1 का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे चेन रूल आपका 1.1 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको 1.2 में क्या है, 1.2 में बच्चों 1.2 में ना आपके पास इनवर्स फंक्शन है, समझ में आ रहा है, तो इनवर्स फंक्शन का मैं डेरिवेटिव बताता हूं इसके बाद, सही कि नहीं, ये वीडियो में मैं पूरा वन शॉट रिवाइज करने वाला हूं ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, हाँ मैंने दो फॉर्मूले नहीं लिखे, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, अभी मैं लिख देता हूँ बच्चों, कौन सा फॉर्मूला, यू इंटू वी और यू प्लस वी, यू इंटू वी और यू अपॉन वी, अगर बच्चों यू इंटू वी रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, समझ आ रहा है बच्चों, अगर यही यू अपॉन वी रहेगा बच्चों तो वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी अपॉन वी स्क्वायर। U into V का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, U derivative of V plus V derivative of U, फिर U upon V का क्या आएगा बच्चों, ओई चालू है रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है बच्चों, चेक करना पड़ता है, डर लगता है, कभी कभी होता क्या है, हम लोग 50-50 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग चालू नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो U upon V क्या आएगा, U upon V क्या आएगा, U derivative, V derivative of U, V derivative of U minus U derivative of V upon V square। ठीक है, अब बच्चों ये अपना U into V हो गया, अब हम लोग इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं। इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों, अगर साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों कॉस इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आएगा माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सर साइन और कॉस का फॉर्मूला सेम तो है, सिर्फ कॉस में माइनस वन आ जाता है, दैट्स इट। बच्चों अब टेन इनवर्स एक्स फॉर्मूला कैसे आया ये सब जानना है तो अलग से इसका वीडियो बनेगा, ये वीडियो में हम लोग सिर्फ समझेंगे फॉर्मूला क्या है, कैसे नहीं, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, समझा बच्चों, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स, बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स क्या आएगा, समझ में आ रहा है, सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, समझ में आ रहा है। देन कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव सेम आएगा, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ही आएगा, बट बच्चों यहां पे माइनस आ जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और बच्चों एक चीज और बताऊं, जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज है, समझ में आ रहा है, ठीक है, जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज है इसमें आपको अगर आप लोग ध्यान दोगे टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये जो क्वेश्चन है ये पांच क्वेश्चन में आपको
इनवर्स फंक्शन नहीं दिया है, समझ में आ रहा है? इनवर्स फंक्शन क्वेश्चन नंबर 6 से दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक, तो आपको ये वाले में ये फॉर्मूले यूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ अलग दिया है, 2 में अलग दिया, मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तब, ठीक है? हर एक सम कराने वालों टेंशन मत लो। अब बच्चों अगर आप लोग थर्ड एक्सरसाइज देखोगे, थर्ड एक्सरसाइज, तो थर्ड एक्सरसाइज में अपने पास लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है, ये हो गया है, समझ में आ रहा है बच्चों? ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर भी कॉम्पोजिट फंक्शन हो, जो मैं बता दूंगा, सम सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है बच्चों? अब थर्ड एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक डेरिवेटिव है, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, पहली बात लॉग का प्रॉपर्टीज बच्चों, अगर आप लोग भूल गए हो, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या आता है बच्चों? लॉग ए बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या आता है बच्चों? लॉग ए अपॉन बी, समझ में आ रहा है? ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, मतलब ऐसा भी वैलिड है, ऐसा वैलिड है, बट अगर बच्चों कहीं पे लॉग ए प्लस बी रहेगा ना, तो आप उसको लॉग ए प्लस लॉग बी या लॉग ए इंटू बी ऐसा नहीं लिख सकते, याद रखना, समझ में आ रहा है? तो आई होप ये आप लोग को समझ गया रहेगा बच्चों, ठीक है? ये आपको समझा, एक और, एक और, एक और, एक और, लॉग बी रेस टू ए क्या आएगा बच्चों? ए लॉग बी, एक और प्रॉपर्टी क्या, लेट से सी रेस टू लॉग बी टू द बेस सी, आंसर आएगा बी, मतलब इधर का बेस और इधर का बेस सेम है ना, तो जो ये रहता है वो आंसर आता है। ये आपको प्रॉपर्टीज, ये आपको प्रॉपर्टीज लॉग की आनी चाहिए, अगर ये आपको आएगी तो आपका लॉगरिथमिक डेरिवेटिव आसान हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक डेरिवेटिव करेंगे कब बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग लिखते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है? नहीं तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। अभी यहाँ पे ध्यान देना, पे अटेंशन, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव करेंगे कब? लॉगरिथमिक डेरिवेटिव हम लोग तब करेंगे जब फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा या फंक्शन रेस टू फंक्शन होगा। पहले अगर समझो ऐसा फंक्शन है x प्लस वन द होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस वन इंटू 3x प्लस वन, समझ में आ रहा है? 3x स्क्वायर प्लस वन कर देते सर, ये फंक्शन आप u अपॉन v से कर सकते हो, बट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम लोग इसमें क्या लगा देंगे? लॉग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लॉग। लॉग लगाने के बाद लॉग, अगर समझो ये मेरा फंक्शन है ऐसा है, तो मैं इसमें लॉग लगा दूंगा, तो बच्चों लॉग वाई क्या आएगा? लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ए माइनस लॉग टू एक्स प्लस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, बच्चों ये टू आगे आ जाएगा, प्रॉपर्टी है ना, लॉग एक्स प्लस वन, ठीक है बच्चों? फिर माइनस लॉग टू एक्स प्लस वन, फिर आप लोग बोलोगे सर लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, जो कि करेक्ट है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, बट बच्चों ध्यान से सुनो, अगर आगे माइनस है तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये माइनस है ना बच्चों, तो लॉग ए इंटू बी होगा, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होगा, बट माइनस की वजह से यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस, बिकॉज ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये समझ गया? लॉग ए माइनस लॉग बी, बिकॉज ये माइनस है ना, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। तो बच्चों इसके बाद क्या करेंगे? सर आपका लॉग वाई आ गया, अब डेरिवेटिव करो दोनों साइड। सर लॉग वाई को आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे, तो log y का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव x कर रहे हो, तो 1 अपॉन y आएगा, बट dy बाय dx भी आएगा, बिकॉज ये कंपोजिट है, चेन रूल लगाओ। बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2 अपॉन x प्लस 1, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 2 x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सर x प्लस 1 का डेरिवेटिव तो 1 होता है, नो नीड टू राइट, बट 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव एक 1 नहीं होता, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा बच्चों। माइनस इसका आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद आगे ध्यान देना, अटेंशन बच्चों, वन बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों? टू अपॉन एक्स प्लस वन माइनस, बच्चों टू एक्स प्लस वन, ये जो टू एक्स प्लस वन है ना, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आएगा? टू, राइट, बिकॉज वन का जीरो आएगा और टू एक्स का टू आएगा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस टू अपॉन टू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये समझा? बट सर हमें dy बाय डी एक्स चाहिए, तो dy बाय डी एक्स क्या होगा? ये y उधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये सब एज इट इज नीचे आ जाएगा, और y के जगह पे क्या लिखना है? y की वैल्यू। तो मैंने आपको ये लॉगरिथमिक डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बता दिया, बट सर जब कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा उसको सिंपल करके डेरिवेटिव करने में काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा। बट सर अगर सिंपल फंक्शन है, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, सिंपल फंक्शन है आपका, सिंपल फंक्शन क्या है बच्चों? आपका सिंपल फंक्शन है, लेट से मैं ले रहा हूं x रेस टू x, सर x रेस टू x, n x रेस टू n माइनस 1, log a नहीं,
बच्चों ये ए रेस टू एक्स नहीं है, ये एक्स रेस टू एन नहीं है। ए रेस टू एक्स में नंबर नीचे वेरिएबल ऊपर, एक्स रेस टू एन में वेरिएबल नीचे नंबर ऊपर, बट ये फंक्शन रेस टू फंक्शन, मतलब नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है। बच्चों साइन एक्स रेस टू साइन एक्स, ऐसा अगर क्वेश्चन रहेगा तब आप इसको लॉग अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे? लॉग। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? y इज इक्वल्स टू x रेस टू x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लिखने का क्या आएगा? लॉग x रेस टू x, लॉग y ऐसा रहेगा बच्चों, लॉग x रेस टू x क्या आएगा? x लॉग x, ठीक है बच्चों। लॉग y क्या आएगा? 1 अपॉन y dy by dx। बच्चों x लॉग x क्या आएगा? u। लॉग x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? 1 बाय x प्लस लॉग x, और बच्चों x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। बच्चों dy by dx y मल्टीप्लाई कर वहां पे क्या करेगा? डिवाइड, x x कैंसिल, 1 प्लस log x, समझा? और y के जगह पे y का वैल्यू विच इज x रेस टू x, 1 प्लस log x, हो गया? समझ में आ गया? ये आपका लॉगरिथमिक था बच्चों। थर्ड एक्सरसाइज आपको यही लॉजिक से पूरा एक्सरसाइज करना है। अब मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों, फोर्थ एक्सरसाइज का मैं आपको बताता हूं बच्चों। फोर्थ एक्सरसाइज अगर आप लोग देखोगे, नहीं तो एक मिनट रुक जाओ बच्चों, थर्ड एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन नंबर थ्री तो हो गए, क्वेश्चन नंबर टू तक आप ऐसा कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ना, इसमें इंप्लिसिट फंक्शन है। इंप्लिसिट फंक्शन क्या बच्चों? अगर यहां पर ध्यान दो, आपके पास है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो सर आपने y और x को अलग अलग लिखा, x अलग y अलग। बट अगर समझो ऐसा सिचुएशन है, x 2x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, तो y स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? माइनस 2x, तो y क्या आएगा? नहीं तो इसको माइनस दे दो, वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है? रियल वियल का कॉन्सेप्ट हटाने के लिए हम लोग सीधा, मतलब कॉम्प्लेक्स आना नहीं चाहिए, तो माइनस, टेंशन नहीं। तो बच्चों y क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2x, ठीक है? अगर माइनस 2x रहेगा वहां पे जाके प्लस 2x, फिर y अंडर रूट ऑफ 2x, ठीक है ना? यहां पे आपने y और x को एकदम अलग अलग किया, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन, मतलब आप अब y को x के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर रहे हो। बट समझो अगर ऐसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अब ये फंक्शन में आप चाह के भी x और y को अलग नहीं कर सकते। सर मैं x इधर लिख देता हूँ, y इधर लिख देता, बेटा होगा ही नहीं, करके दे। तो ऐसे फंक्शन को आप सीधा डेरिवेटिव करो, फिर dy by dx को अलग करो। जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 2x, यू इंटू वी, यू इंटू वी का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स dy by dx प्लस वाई, x का डेरिवेटिव 1, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? 2y dy by dx is equals to 0, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, 2x plus x dy by dx plus y वन सा y, ये 2y dy by dx ऐसा ही रहेगा। अब बेटा दोनों का, दोनों में dy by dx है, कॉमन ले लो, dy by dx कॉमन आ गया, x plus 2y, फिर यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, दोनों में डीवाई बाई डीएक्स था, कॉमन ले लो। अब यहाँ पे सर ये उधर जाएगा, सो डीवाई बाई डीएक्स क्या आएगा? एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस वाई। बच्चों ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहां पे क्या करेगा? डिवाइड। सो डीवाई बाई डीएक्स क्या आएगा बच्चों? माइनस टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस टू वाई। बोलने का मतलब क्या है? इस तरीके से आप इंप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो। मतलब क्या? अगर आप x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, तो वहीं पे डेरिवेटिव करो। y का dy by dx आएगा, पहले डेरिवेटिव करो, बाद में dy by dx को सिंपलीफाई करो, मतलब अलग अलग, समझा? ये बच्चों आपका हो गया कौन सा? पॉइंट थ्री का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों पॉइंट फोर का कॉन्सेप्ट, ठीक है? पॉइंट फोर में बच्चों अपने पास है पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे मिलता है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक है? हर एक समय आपको बताऊंगा, हर एक समय बताऊंगा, प्लीज प्लीज चेक कर लेना बच्चों। अब पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर आप लोग ध्यान दो, अगर आप बोल रहे हो x इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 280, बोलने का मतलब क्या है? सर x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और फिर भी मुझे dy by dx पूछा है। क्या x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और फिर भी मुझे dy by dx पूछा है? तो मैं x को देखो, यहां पे कॉन्स्टेंट है और t पैरामीटर है, ए कॉन्स्टेंट है, टी पैरामीटर, समझ में आ रहा? पैरामीटर मतलब सर एक्स टी पे डिपेंड है, वाई टी पे डिपेंड है, मतलब किसी थर्ड पर्सन पे, समझ में आ रहा बच्चों? थर्ड पर्सन है मतलब बच्चों, अभी यहां पे जान दो, महेश, अपना वो महेश गाना याद है ना, ठीक है? कमेंट मत करना, महेश, रीना और सुजीत, मैंने ये रैंडम नाम क्यों लिया पता नहीं। अब महेश रीना से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? और
अपना सुजीत भी रीना से रिलेटेड है, समझ में आ रहा है? कोई भी रिलेशन हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अलावा भी दुनिया में रिलेशन है, भाई भाई का रिलेशन है, ठीक है बच्चों? तो महेश रीना से रिलेटेड है, सुजीत रीना से रिलेटेड है, और आपको बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन महेश एंड सुजीत। बोलने का मतलब क्या है कि रीना पैरामीटर है। रीना क्या है यहाँ पे बच्चों? पैरामीटर। अब मैंने महेश रीना सुजीत ये रैंडम नाम क्यों लिया पता नहीं, ठीक है बच्चों? तो ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है? कि सर एक्स किसी से रिलेटेड है, किसी पैरामीटर, किसी वेरिएबल से रिलेटेड, उसको हम लोग पैरामीटर बोलेंगे। वाई भी सेम वेरिएबल से रिलेटेड है, मतलब सेम पैरामीटर से रिलेटेड है, और आपको इनके बीच का रिलेशन चाहिए, तो कैसे निकालोगे बच्चों? एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, सो डीएक्स बाई डीटी, इसको पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, क्या आएगा बच्चों? 280। क्या आएगा? 280 बच्चों। डीवाई बाई डीटी क्या आएगा? 2a। क्या आएगा? 2a बच्चों। डीवाई बाई डीएक्स कैसे मिलेगा पता है? डीवाई बाई डीटी अपॉन डीएक्स बाई डीटी बच्चों। dy by dt क्या है आपका? dy by dt आपका 2a, dx by dt क्या है आपका? 280 बच्चों। 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 1/t। आंसर क्या आ गया? 1/t, समझ में आ गया? इरेज करते हैं इसको। अब लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बहुत सिंपल है, आपको एक फंक्शन दिया है, ठीक है? आपको एक फंक्शन दिया है और बोला है x इज इक्वल्स टू x रेस टू 4, और आपको बोला है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना सर? पहले फर्स्ट ऑर्डर तो निकालने दो, पहले फर्स्ट ऑर्डर तो निकालने दो। फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा? 4x³। फर्स्ट ऑर्डर क्या आएगा? 4x³। अब मैं इसको वापस से डेरिवेटिव करूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x³। बच्चों ये क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा? 3x², सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 12x³। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 12x², समझ में आ रहा है? 3 नीचे आ गया ना और एक्स स्क्वायर आ गया। बोलने का मतलब क्या है सर? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या? देखो वाई को रिस्पेक्ट किया 2 टाइम, y को डेरिवेटिव कर, सर रिस्पेक्ट क्या? रिस्पेक्ट सबको देना ही चाहिए, बट y को डेरिवेटिव करो 2 टाइम, समझ में आ रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू x एक बार डेरिवेटिव किया, जो आंसर आया उसको वापस से डेरिवेटिव करो, समझ में आ रहा है? और बच्चों इस क्वेश्चन में ना, इच एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपको बोला है nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। बच्चों nth ऑर्डर डेरिवेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 10 बार करोगे, कभी ना कभी तो थकोगे। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है। क्या रिकॉग्नाइज करना है? पैटर्न। अब कैसे रिकॉग्नाइज करना है मैं आपको बताऊंगा बच्चों, समझ में आ रहा है? तो अगर कुछ भी डाउट है, हाँ तो इसी के साथ अपना वीडियो खत्म हो गया बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और वीडियोस मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो बच्चों। और अपना, आपको पता है कि हर चैप्टर के एंड में मिसलिनियस है, मिसलिनियस में एमसीक्यूज है, अगर आपको मिसलिनियस के एमसीक्यूज चाहिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, मिसलिनियस पूरा करने की कोई जरूरत नहीं 12 पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बट अगर आपको मिसलिनियस के एमसीक्यू चाहिए तो उसका वीडियो बनाने के लिए भी मैं रेडी हूँ। बट ये वीडियो को आप वीडियो पे कमेंट करो, समझ में आ रहा है? अगर आपको एमसीक्यू चाहिए मैं सारे चैप्टर के मिसलिनियस के एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करके बता दूंगा, मेरे पास बोर्ड है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा दूंगा, समझ में आ रहा है बच्चों? फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ये वीडियो को अगर नहीं समझा वापस एक बार देखो, कुछ फीडबैक देना है फीडबैक दो, वीडियोस को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।